हेलो एवरीवन, आज हम बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं जो कि है हमारी दूसरों से ये अपेक्षा कि वो हमसे हमेशा सच बोलें। क्लोज रिलेशनशिप्स में आपने लोगों को एक दूसरे से हमेशा बोलते हुए सुना होगा कि मुझे झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि तुम हमेशा मुझसे सच बोलो। बी ऑनेस्ट टू मी ऑलवेज। फ्रेंड्स, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर्स, हर तरीके के रिलेशनशिप में हमारी ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है। और ऑनेस्टी एक बहुत ही बेसिक वैल्यू है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। हमारे पेरेंट्स, हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ ये बोलते हैं कि हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। पर क्या ऐसा होता है? ऐसा क्या हो जाता है कि जिस बच्चे को हम बचपन से ये सिखाते हैं कि उसे सच के रास्ते पे चलना है, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है? कौन होता है इसका रिस्पॉन्सिबल? मेरा ये मानना है कि इनिशियली जब भी इंसान झूठ बोलता है, उसे अंदर से गिल्ट होता है और वो ये प्रयास एक बार तो जरूर करता है कि वो आपके पास आके कन्फेस करे, अपनी गलती माने और सच बताए कि उससे ऐसी गलती हुई है। पर आपका जो व्यवहार होता है उस समय, वो ये तय करता है कि जीवन में वो इंसान फिर से आपसे सच बोलेगा या नहीं। जब भी इंसान कोई गलती करने के बाद कन्फेस करने के लिए आता है या अपनी गलती मानता है, हम उस केस की बात नहीं कर रहे जिसमें कि वो पकड़ा गया और फिर वो सच बोल रहा है, नहीं। जब वो गलती करता है और उसको ऐसा अंदर से एहसास होता है कि मुझसे कुछ गलत हुआ और वो आपके पास कन्फेशन के लिए आता है कि मुझसे कुछ गलती हुई है, वो बहुत ही उम्मीद के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ और बहुत शक्ति एकत्रित करके आता है। वो इस हिम्मत के साथ आता है। सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है सबसे पहले। फिर वो आप पे एक तरीके का विश्वास दिखाता है कि शायद आप उसकी वो मनोस्थिति समझेंगे और ये समझ पाएंगे कि उससे वो गलती किस हालात में हुई, और उसे आपसे ये उम्मीद होती है कि आप उसे समझ के उसे माफ कर देंगे। माफ करना या ना करना ये एक अलग मुद्दा है, मैं इस पे बात नहीं कर रही हूं। वो एक आपकी पर्सनल चॉइस और आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन उस समय उस सिचुएशन में आपका क्या व्यवहार होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने उस समय बहुत ओवर रिएक्ट किया, बहुत चिल्लाया या बच्चे के केस में उसे मार दिया, लोग मारते हैं कुछ लोग बच्चों को, तो क्या आपको लगता है वो जीवन में कभी भी ये फिर से हिम्मत जुटा पाएगा सच बोलने की? नहीं। तो अगर आपसे कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो इसमें क्या सिर्फ उस इंसान की भूमिका है और आपकी कोई भूमिका नहीं? आपकी भूमिका भी है। इसके अलावा जो दूसरी गलती लोग करते हैं कि आपने उस समय तो उसको माफ कर दिया, आपने कुछ समय लिया और फिर एक दिन बाद या कुछ घंटों बाद उसको ऐसा बोल दिया उस इंसान को कि मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन फिर आप क्या गलती करते हैं? आप कुछ दिन बाद थोड़ी सी ही कोई परेशानी होती है तो फिर उस इंसान को ताने मारते हैं। आप उसे ये बोलते हैं कि मुझे तो पता ही था तुम ऐसा फिर से करोगे क्योंकि तुमने पहले भी ऐसे किया था। तो आप एक तरीके से ये दिखाते हैं कि आपको उस पे कोई भरोसा नहीं है। तो क्या उस इंसान को वो गलती दोबारा ना करने का या वो व्यवहार फिर से रिपीट नहीं करने का कोई मोटिवेशन रहेगा? नहीं रहेगा उसको, क्योंकि पता है कि आप तो ये मान के ही चल रहे हैं कि वो ये गलतियां करता रहेगा। इसकी अपेक्षा आपको क्या करना चाहिए? आपको ऐसे सिचुएशन पे उसको ये भरोसा दिलाना चाहिए कि मुझे तुम पर विश्वास है,
ठीक है, तुमसे ये गलती हो गई है, पर मुझे ये विश्वास है कि तुम ये गलती दोबारा नहीं करोगे। अगर आप ऐसा करें तो कुछ परसेंट चांस है कि वो इंसान सुधरने की कोशिश करेगा। और कुछ ऐसे भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है जिसमें इतना इजी नहीं होता बस ये कॉन्वर्जेशन, आपको शायद मेहनत करनी पड़ती है उस इंसान को उस स्थिति से निकालने के लिए, आपको उस पे भरोसे के साथ, उसको आपके सहारे की जरूरत होती है, प्यार की जरूरत होती है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। पर जो मैं बात यहाँ पे कहना चाह रही हूँ वो ये है कि अक्सर हम ये बोलते हैं कि इसने मुझसे झूठ बोला, ये लोग मुझसे झूठ बोलते हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे हमारा रिश्ता कमजोर होता जाता है। मैं ये कहना चाह रही हूं कि आगे से जब भी आप किसी को ये बोले कि आई वॉन्ट यू टू बी ऑनेस्ट टू मी, तो आप एक बार आत्मचिंतन करके ये भी समझ लें कि क्या मैं खुद इस चीज के लिए तैयार हूं, क्योंकि ऐसे समय में आपका सहनशील होना और मैच्योरिटी से ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही ये तय करता है कि लोग आपसे सच बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो जब हम किसी और को ब्लेम करते हैं कि इसने मुझसे झूठ बोला, हम ये एक बार खुद अपने व्यवहार को भी असेस कर लें कि क्या मेरे तरफ से भी कोई गलती थी, क्या मैंने अपने जो जो भी रिलेशनशिप है उसको ऐसा कंफर्ट नहीं दिया कि वो आके मुझे सच बोल सके। तो कोई अगर आपसे झूठ बोलता है तो सारी गलती उसकी नहीं होती, उसमें थोड़ी जिम्मेदारी आपकी भी होती है, आपको भी कहीं ना कहीं सुधरने की जरूरत होती है। तो इसलिए ये बदलाव आप भी अपने व्यवहार में लाएं, और फिर दूसरों से ये एक्सपेक्टेशन करें कि वो आपसे हमेशा सच बोलें। थैंक यू।